हेलो गाइस, मुझे पता था कि आपको वेट है एक मसाले वाली वीडियो का, जो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसको देख के आपको ना सिर्फ हैरत होगी बल्कि आपको इसी की कमी भी फील होगी। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ नोरा फतेह की, जिसका गाना है हाय गर्मी। ये लड़की कनाडा में पैदा हुई 1992 में, ठीक है। इसकी माँ भारतीय थी और इसका बाप जो था वो मरक्कन था। यही वजह थी कि इसको भारतीय फिल्मों का बहुत शौक था। स्कूल और कॉलेज में डांस करती थी, लेकिन इसका डांस तब बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, लोगों के ताने सुनना पड़ते थे। हुआ ये कि इसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई, जिसकी वजह से इसको बहुत सारे काम भी करने पड़े। वेटर्स का काम भी इसने किया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और ये अपने काम करती रही। काम के साथ साथ इसकी डेटिंग चलती रही बहुत सारे बॉयज़ के साथ। ये ट्रोलिंग में रही, जिनमें इसकी डेटिंग में अंगद बेदी, वरिंदर और प्रिंस नौराल हैं, ठीक है। हुआ ये कि इसने अपनी मेहनत को स्टार्ट किया, इसने मॉडलिंग की, इसने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन सबसे पहले इसने रोड फिल्म की, जो कि अच्छी तरह से नाकाम हुई और फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद इसने बाहुबली, बिग बॉस और बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स किए। इसका एक छोटा भाई भी है, ठीक है, और इसका एक घर जो है वो कनाडा में है वो, और एक घर इसका जो है वो अब मुंबई में है, जो बहुत ही लग्जरियस है। और इसके पास जहाँ पे एक गाड़ी नहीं होती थी, अब इसके पास तीन तीन गाड़ियाँ हैं, वो भी इसकी मेहनत की वजह से हैं जी। पहले इसने बहुत सारी जगह पे नाकामी देखी, ये देखें हालात कैसे थे और कैसे हो गए, लेकिन इस लड़की ने हिम्मत हारी नहीं और ये लगी रही। यहाँ तक कि इसने एक गाना किया हाय गर्मी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को गर्मी फील हुई और एसी चलाना पड़ा। इसके बाद इसने बहुत सारे गाने किए जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में आए, और इसने एक की जगह पर तीन तीन गाड़ियाँ भी ले ली, ठीक है। अब ये एक गाने का जो ये एक गाना करती है उसके लिए ये लेती है 50 लाख रुपये, एक जो फिल्म करती है उसके लिए ये लेती है 1 करोड़ रुपया। तो ये इस वक्त बहुत सारी महंगी तरीन एक्ट्रेसेस में शामिल है, जो कि ना सिर्फ डांस करती है बल्कि लोगों को गर्मी भी फील करवाती है। तो ये थी जी नोरा फतेह की बायोग्राफी, जो कि इसने स्टार्ट कहाँ से किया और अब देखें कि ये बंदी कहाँ पर खड़ी है। तो मेहनत जारी रखें, एक ना एक दिन आप भी कामयाब होंगे, और ऐसे ही मसाले वाली वीडियोज़ लाऊँगी आपके लिए। थैंक यू सो मच।